मेक समबडी डू समथिंग का मतलब क्या होता है? मेक समबडी डू समथिंग का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, या फिर किसी से कुछ करवा लेना। करवा लेने का मतलब करेगा कोई और, है ना, आप वजह बनोगे, है ना, उसके कुछ करने की। जैसे आई विल मेक यू डांस, मैं तुमसे डांस करवा लूँगा, डांस तुम करोगे, हाँ, लेकिन मेरी वजह से करोगे, मतलब तुम्हें डांस करने का मन नहीं होगा, ठीक है, तो भी हम करवा लेंगे। अगर कोई आपका दोस्त है, डांस करना बिल्कुल नहीं उसे पसंद है, तुम जबरदस्ती उसे करवा रहे हो, उसे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन तुम चाह रहे हो कि वो करे, देन यू आर ट्राइंग टू मेक हिम डांस। तो तुम उसे कहो कि हम तुमसे डांस करवा लेंगे, आई विल मेक यू डांस। ही माइट से मेक मी देन, करवा के दिखाओ, है ना। दूसरा सेंटेंस क्या, दिस मूवी मेक्स मी क्राई, यह फिल्म मुझे रुला देती है, यह फिल्म मुझे रुला देती है। दिस मूवी मेक्स मी क्राई मतलब इस फिल्म की वजह से हम रोते हैं, रोते तो हम ही हैं लेकिन रोने की वजह कौन है, फिल्म, ठीक। व्हाट मेड यू क्राई, ये लाइन देखो, व्हाट मेड यू क्राई, तुम क्यों रोए। आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो, व्हाई डिड यू क्राई। तो व्हाई डिड यू क्राई जब हम बोलते हैं तो हम वजह पूछते हैं, और ये स्ट्रक्चर वजह के लिए है, व्हाट मेड यू क्राई, है ना, मतलब तुम क्यों रोए, वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से तुम रोए, जो तुम्हें रोने पे मजबूर कर गया, व्हाट मेड यू क्राई। फोर्थ लाइन देखो, मनी कांट मेक मी डू दिस, मनी कांट मेक मी डू दिस मतलब पैसा मुझे ये करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आई कैन डू दिस फॉर अदर रीजन्स बट मनी कांट मेक मी डू दिस, है ना, पैसा मुझसे यह नहीं करवा सकता। मान लो तुम हंस रहे हो, व्हाट मेक्स यू लाफ, मीन्स व्हाई आर यू लाफिंग, इसको ये बोलने की जरूरत नहीं, व्हाट इज़ मेकिंग यू लाफ, है ना, ऐसा मत कि हर चीज़ को कंटिन्यूस में बना लेना, ऐसा नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि व्हाट मेक्स यू लाफ, ये बराबर है उसके कि व्हाई आर यू लाफिंग, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज़ मेकिंग यू लाफ, है ना। योर फेस मेक्स मी लाफ मतलब तुम्हारा चेहरा देखते हो तो हमें हंसी आ जाती है, हंसते तो हम हैं लेकिन वजह तुम्हारा चेहरा है, है ना। तो कोई चीज़ या कोई इंसान किसी के कुछ करने की वजह होता है, किसी के कुछ होने की वजह होता है। तो मेक समबडी डू समथिंग है मतलब डू जहाँ दिख जाए, डू समथिंग मीन्स वी वांट यूज करना, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर कर लिया, ठीक है। इससे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे यूज़ होता है, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, ठीक है, यूज़ कीजिए, काफ़ी सेंटेंसेज बनाए।